छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग 1.5 से 2 महीने इस सरकार को बने हो चुके हैं और कई कैबिनेट की बैठकें भी हो चुकी है। इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मंत्रियों के दौरों की और उनसे बढ़ने वाले कांग्रेस की परेशानियों की। तो क्या है ये दौरों के पीछे की कहानी, क्यों लगातार केंद्रीय नेतृत्व जो है वो प्रदेश पहुंच रहा है और क्या इससे कांग्रेस को और नुकसान हो सकता है, आइए देखें एक रिपोर्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों दो दो केंद्रीय मंत्री एक साथ पहुंचे हुए हैं। पहले केंद्रीय मंत्री पंचायत विभाग से ताल्लुक रखते हैं तो वहीं दूसरे जल शक्ति मंत्रालय से ताल्लुक रखते हैं और दोनों ही पुरानी सरकार में चलाए गए योजनाओं की जांच की बात कह रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की है, जिसमें उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की फ्लैगशिप योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत बनाए गए गौठानों की जांच करने की बात कही है और उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर इन गौठानों में घपला करने का आरोप भी लगाया है। देखिए, मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ उस विभाग का नाम है पंचायती राज ग्रामीण विकास, और इस ग्रामीण विकास को, पंचायती राज को पुरानी सरकार ने जिस ढंग से लूटा, वो क्या गठिया क्या गौठान गौठान उसी को ठीक करने आया। और छत्तीसगढ़ सरकार कैसे बेहतरी से काम करे, हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू अन्य डिपार्टमेंट, उसके लिए एक मीटिंग करके फिर आगे की कार्रवाई करूंगा। तो वहीं आज सुबह रायपुर स्थित राम मंदिर में सुशासन और स्वच्छता का संदेश देते केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिखे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने परिसर में जहां एक तरफ झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया, तो वहीं उन्होंने बताया कि वे आज महासमुंद जिले के दौरे पर रहेंगे, जिसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्ववर्ती सरकार के समय चलाए गए जल जीवन मिशन के जांच की भी बात कही। एक बार इस विषय पर निश्चित रूप से जांच होनी ही चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन या कहीं भी हुआ है, जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर के, जल जीवन मिशन में किस तरह से माननीय मोदी जी के लक्ष्य के अनुरूप हम संतुष्टिकरण समय रहते कर सके, इस दृष्टिकोण से हम एक विस्तृत समीक्षा आशा। यह तो बात हुई बीजेपी की, जहां लगातार सरकार बनने के बाद प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व का दौरा जारी है और इल्जाम भी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पर लगाए जा रहे हैं। इन तमाम प्रश्नों के बीच एक प्रश्न यह भी उठता है, क्या वाकई कांग्रेस ने इन योजनाओं में घोटाले किए हैं? क्या सरकार वाकई इन योजनाओं के घोटालों पर तहकीकात करने जा रही है या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस को बैकफुट पर लाना चाहती है? छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।